कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 11 अगस्त को होने वाला सागर दौरा टल गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा पहले से ही तय था, पर बीजेपी ने जानबूझकर उसके ठीक एक दिन पहले 12 अगस्त को पीएम मोदी का दौरा बनाया ताकि खड़गे को कोई भी साधन न मिले, क्योंकि पीएम के दौरे के दौरान सभी तरह की व्यवस्थाएं बदल दी जाती हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित किया था कि वो आएं और देखें कि किस तरह मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि संत रविदास मंदिर स्मारक निर्माण का शिलान्यास 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 13 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा सागर में था, जानबूझ करके एक दिन पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का दौरा इन्होंने भाजपा ने तय किया ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का दौरा फेल हो जाए, सभा फेल हो जाए। देखिए, मुझे लगता है कि इसे खड़गे जी का और कांग्रेस जी का डर कहा जाए या फिर इनका दोहरा चरित्र, क्योंकि जिस वर्ग के लिए कल तक चिंतित होके खड़गे जी ट्वीट कर रहे थे, आज उस वर्ग के लिए जो एक ऐतिहासिक कार्य किया गया और 12 तारीख को स्वयं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ, तो खड़गे जी ने अपनी यात्रा ही कैंसिल कर दी। मैंने तो उन्हें आमंत्रित किया था, वो एक दिन पहले आए, और कांग्रेस ने आजादी के 75 सालों में जो कार्य नहीं किए उसमें सम्मिलित होके कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोले। मणिपुर हिंसा को लेकर जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। रायपुर में